नो नो, एंगेजमेंट नहीं, एंगेजमेंट का उनका प्लान ही नहीं है। हेलो, मेरा हाँ टाइम जाया मत करो, चलो जल्दी। चलो 5 सवाल। कौन सवाल बोलो। हाँ, आपको हाँ जी। भाई सवाल लिखो जल्दी जल्दी, सब लोग सवाल लिखो। हाँ व्हाई ही म्यूट यू, म्यूट किया आपने मुझे। नहीं गर्लफ्रेंड नेम ये नहीं हाँ, बोलना, नहीं है। थोड़ा अच्छा सवाल करो जो दे सकता हूँ। ओके, जो आप दे सकता हूँ, जो ऐसा सवाल फेवरेट करो। थ्री पर्सन, थ्री मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लोग कौन है आपकी लाइफ में? तीन। तीन बहुत ज़्यादा है ना, मतलब और भी है, फैमिली में बहुत से लोग हैं, तीन तो मुश्किल हो जाएगा ना। 3% तो 10, 20 तक। 20 बताएं। अच्छा, मम्मी पापा, दाई, भौजू, दीदी, टू सिस्टर, और सिस्टर का मतलब भांजी, दो दो भांजे, एक भांजा, और दो हमारा भतीज, और कितना हो गया, आगे आगे अभी कम है। अच्छा, और मैं खुद से फेवरेट इम्पोर्टेंट पर्सन, हम भी है, और तुम लास्ट पे। सुरेश भाई गिविंग नॉनसेंस आंसर्स। सॉरी गाइस, आपको सॉरी यार, किसका कमेंट था ये, मैंने नहीं पढ़ना था। ओके एट द एंड, ओके नंबर है 20, 19 में। शुक्रिया। अच्छा, मैं भी यार, मैं भी ये पनिशमेंट करना चाहती हूँ यार, मैं भी ये पनिशमेंट, मैं भी करूँ ये पनिशमेंट। अरे तुम दूसरा सवाल पूछो, ज्यादा टाइम जाया मत करो, हमारा कीमती गाइस समय। उसका पहले मम्मा मान, उसके बाद मिठू जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, उसके बाद जितने हमारे गांव पे वो गाय भैंसे वगैरह खड़ी हैं वो, उसके बाद हमारे घर में जितने पौधे हैं वो, और चूचू, चूचू तो आप लोगों को पता है ना, चूचू, और जितनी भी हमारी गायें वहां पे खड़ी सबसे, और उसकी सॉरी गाइस। हाँ मेरी जो टिकटॉक फैमिली है, आप लोग सब जितनी भी अलरीश फैमिली है वो, और यूट्यूब के जितने लोग सब वो, जिस जिसने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है वो, और उसके बाद स्नैपचैट पे जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है वो, और उसके बाद इंस्टाग्राम पे जिन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है वो सब भी, और उसके अलावा मेरे ये कमरे में जितने भालू वगैरह पड़े हुए हैं ये सब, और घर में जितनी चींटियां हैं वो भी, और वॉशरूम में जितने कॉकरोच हैं, पूरे घर में जितनी चींटियां, जितनी भी चींटियां, जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब रहते हैं वो, और उसके बाद सुरेश। अच्छा, दूसरा सवाल। इतना जलील कौन करता है यार, चींटियां, कॉकरोच, कॉकरोच, चींटियां, ठीक है। इट्स ओके, दूसरा सवाल, आपने भी यही किया। अच्छा दूसरा दूसरा दूसरा। सुरेश का नंबर 101, 101 नहीं, चूटियां जितनी भी है मेरे घर में उसके बाद, और सारे कॉकरोचेस के बाद। दूसरा सवाल। नहीं, अभी एक और मुर्गी ने एक अंडा दिया था, अभी वो मशीन में रखा हुआ है,
रात को एक बच्चा उसमें से निकल रहा था अभी हाँ उसने बोलो। चूंच बाहर निकाली है वो, उसके बाद सारी चींटियां, सारे कॉकरोचेस और उसके बाद सुरेश ठीक है बोलो ना, जल्दी बोलो। गर्लफ्रेंड नेम लोग पूछ रहे हैं। अरे ऐसा बात मत पूछो यार, अच्छा थोड़ा अच्छा एक सवाल पूछो यार, क्या क्वेश्चन, ये बच्चों जैसा सवाल एक पूछ। और क्वेश्चन है, बच्चों की गर्लफ्रेंड होती है, अच्छा ये थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग सवाल पूछ सकते हो, इंटरेस्टिंग कुछ भी पूछ सकते हो यार। यार इंटरेस्टिंग ये सवाल। गर्लफ्रेंड नहीं इधर, ये थोड़ा और पूछो ना, और ज्यादा मोटिवेशन, यू नो लाइक नहीं ऐसा। ओके, मैग्नीशियम और कैल्शियम को मिलाओ तो क्या बनता है? मैग्नीशियम और कैल्शियम को मिलाकर सही जवाब देना, नहीं तो एक और क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड। गलत, एक और क्वेश्चन बढ़ गया आपका, 6 सवाल हो गए गाइस टोटल अरे ये साइंस का सवाल मत करो। बोलते हैं इंटरेस्टिंग करो, क्या करूं मैं? अच्छा सोडा बनते हैं। ओके ये यार, अच्छा, आपकी लाइफ में यार क्या, ये फजूल सवाल नहीं करो, अच्छे सवाल, मुझे क्या पता आप कौन, अच्छा सवाल करो, जिसको सुनने के बाद लोगों में थोड़ा परिवर्तन हो। वो पहले सुन चुके हैं, अब उनका ना दिल भर चुका है। हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स यू हैव टिल नाउ, कितनी टिल गर्लफ्रेंड्स नाउ टोटल? टोटल टोटल गर्लफ्रेंड्स, मतलब नेपाली है और भी। पूरी दुनिया में से गोरी भी चलती है इसमें? चल जाएंगी बाद में, तो चलेगा वो फिर देखेंगे। हाँ चल जाएंगी, इतना ज्यादा तो नहीं है गाइस, क्या करूं, सिंगर हूं तो थोड़ा आप लोग जानते ही हैं। हाँ बोल। एक दो तीन चार पाँच, गाइस तब तक और क्वेश्चन लिखो, वाह नाइस क्वेश्चन, नाइस, कैलकुलेटर दे दो यार, प्लस माइनस भी तो करनी मतलब पड़ेगी। काठमांडू वैली का या इसके बाहर भी? इसके पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया अच्छा का कैलकुलेटर दुनिया का। खोल लें, दूसरा फोन उठा लें, ये अलाउ है आपको? अच्छा नहीं, ऐसे पूछ रहा हूँ। चलो कर लो। इधर उधर मतलब दो चार हो सकता है, 15 कर लो, अभी अभी के लिए 15 लगा लो। बस 15 तो हमें खुद भी पता है कितनी थी, 15 से ज्यादा तो हमें भी पता है। इधर उधर हो सकता है, बाकी दो चार 15 से ज्यादा तो हमें पता है, अब क्या मतलब लाइफ पे 100 बोल सकता हूँ क्या? बोल ये तो सकते हैं हम आप, इतने रोके ऐसे ही सही जवाब दे। नहीं, इतना जलील हम खुद को क्यों करें? 15 तो सबका होता इतना है। कर लिया चलो तो और भी करवा ही सकते हैं आप। नहीं, 15 15 15 ओके ट्रू है, 15 है, 15 तो है, था। ओके है नहीं है, नहीं था। अभी कितनी है? ये तीसरा सवाल हो गया फिर, वाह वाह बड़े तेज हैं आप तीसरा सवाल। पनिशमेंट हम मतलब अच्छी तरीके से करते हैं, पनिशमेंट इतना नहीं तेज हैं बस। आप।
अच्छा, आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट कौन सा था? एम्बैरेसिंग मोमेंट, एम्बैरेसिंग माना मतलब बुरा, शर्मिंदा आप हुए हो ऐसा कुछ शर्मिंदा आपको? माना गिल्टी, मतलब बहुत बुरा लगा। हाँ ऐसे ही कुछ। अच्छा, सबसे ज्यादा बुरा लगा, बुरा नहीं, बहुत गिल्टी था। एम्बैरेस, हाँ गिल्टी, एम्बेस। मुझे 2 बार लगा है ऐसा, बहुत बुरा अंदर, एम्बैरेस यू नो। एक बार जब मैं पहली पहली बार काठमांडू आया था और मेरे पास काम नहीं था कुछ भी, और मैं कभी किसके घर कभी किसके घर, मैं मतलब जो पहचानते थे थोड़ा बहुत, मैं सोने जाता था, तो ऐसा था कुछ। तो मैं काम ढूंढने के लिए गया दरबार मार्ग, और फिर गाने के लिए जो रेस्टोरेंट वगैरह में नाइट यू नो, तो उसको इधर क्या गज़ल बोलते हैं, गज़ल, तो उस वक्त गया था, तो मुझे एक काम मिल गया, अब क्या पता हमको क्या है कैसा है। तो फिर मैं एक गाना सीखा था, माया मेरी साझा बनी डोली चढ़ी आऊं छिन, ये वाला गाना। तो मैंने गलती से वो म्यूजिशियन को पूछ लिया कि ये गाना आप लोग ने मतलब किया है ना, ये गाना आप लोगों ने मतलब कोलैबोरेशन किया है, मैं गा सकता हूँ। तो मैंने वो बोला तो भटक गए बहुत, अरे उसके दिल पे लग गया, तुम अभी भी आए हो, हम इधर 20 साल से ये गाना हम हजारों बार बजा। अब मुझे थोड़ी पता है तुम कितने बार, मैं अभी भी गाँव से आया, हजारों बार बजा चुके हैं, तुम क्या समझते हो, ऐसा करके मुंह में इतना बैड वर्ड बोला मुझको कि मैं रोने लग गया स्टेज पे। इतना रोया मैं उस दिन, इतना रोया, और रो के फिर मैं उधर से चला गया। उस वक्त बहुत बुरा लगा। और दूसरी बार कब बुरा लगा, दूसरी बार बुरा कब लगा, मैं फिल्म में ट्राई कर रहा था, फिल्म में गाने के लिए, तो फिर मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करता, ओके। तो एक मुझे बुलाया, तो फिल्म के लिए कुछ गाना है बोला है ना, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, अच्छा गाना है, तो तुम एक बार ऑडिशन मतलब देकर देखो, तुम्हारी होगा ऐसा गाना करके। तो मैं गया, तो मैंने मेहनत से गाया उस वक्त, तो प्रोड्यूसर आके, कोई था बड़े आदमी प्रोड्यूसर आके, मतलब हाथ में 1500 थमा दिया ऐसे करके, हाँ तुमने डमी अच्छा गाया, ठीक है अच्छा अच्छा गाया डमी, ये गाना अब दूसरे और सिंगर गाएगा, ऐसा करके मुझे मुंह पे बोल दिया, हाँ तुम जा सकते हो। हाँ यार, मैंने सोचा मेरा गाना आएगा, तो हम तो एक्साइटेड था, तो 1500 रुपये देके ना, तो फिर मुझे यार दफा कर दिया यार उधर से, इतना बुरा लगा यार। मतलब वो सोच रहे थे हम तो डमी सिंगर है, लेकिन हम तो यार ऑडिशन देने गया था। तो फिर ऐसा कुछ हो गया, तो उस वक्त बहुत बुरा लगा। अच्छा और भी है बहुत, लेकिन मैं नहीं सुनाऊंगा इससे ज्यादा, रो पड़ेंगे सब लोग हमारी बातें सुनकर। दूसरा सवाल,
दूसरा सवाल. कोई सवाल ऐसा जो आप खुद जिसका जवाब देना चाहते हो, बताए. नहीं, पूछो पूछो। नहीं, जो आपके दिल में हो. अब देखो जैसे मैं इस सवाल का जवाब देना अभी चाहती थी. मैं इंटरव्यू के लिए मना कर रहा हूँ ना, सब लोगों के लिए, जितने भी है जो बुला रहे हैं मुझे, बड़े बड़े लोग, तो मैं इंटरव्यू के लिए मना क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा इंटरव्यू तो अभी डेली होता है, मैं कुछ भी बता सकता हूँ, है ना। तो कुछ पूछ सकते हो इंटरेस्टिंग, कुछ है तो तुम लोगों के पास इंटरेस्टिंग पूछ सबसे सकते हो। बड़ा रिग्रेट आपका लाइफ में, मतलब कब हुआ है आपको, क्या, नहीं ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए, कुछ आपने किया हो ऐसा और उसके बाद आपने सोचा नहीं यार ये गलत किया मैंने. नेपाल आइडल सीजन 1, उसको मैंने स्किप कर दिया, वो बहुत गलत किया मैंने ज़िंदगी में। हालांकि मैंने ऑडिशन भी दिया था और मैं सेलेक्ट भी हो गया था और मुझे वो बुला भी रहे थे, फिर भी मैं नहीं गया। अब क्यों नहीं गया ये तो मैं नहीं बस बता सकता। हमें पता है. है ना, तो मैंने नेपाल आइडल को, शायद मैं बहुत आगे जा सकता था नेपाल आइडल पे, सीजन 1 पे, जिसका जो चाम बहुत बड़ा था, है ना, उसको मैंने ठुकरा दिया। मतलब ऐसे करके मैं नहीं जाऊंगा, तो बहुत गिल्टी होता था उस वक्त, होता था, अभी नहीं होता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है ऐसा लगता है कभी कभी, उस वक्त बहुत गिल्टी फील हुआ था। पहली बन सके, ओके। अच्छा, आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट. टर्निंग पॉइंट, मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है वही जो गाना फिल्म में बहुत ज़्यादा हिट हुआ, जब जब तिम्रो साथ, वहाँ से मेरा फिल्मों का रास्ता, फिल्म प्लेबैक का रास्ता थोड़ा सा खुलने लगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा गाइस, थोड़ा सा बस गेट खुल गया। ऊपर फिर चढ़ना था, फिर बहुत सीढ़ियाँ थी, बहुत कंपटीशन था, है ना। अभी भी है, मैं नहीं बोलता अभी नहीं है, अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा गेट खुल गया, दरवाज़ा, तो पहले तो चाबी था, बंद था, ताला था, तो पहले दरवाज़ा खुल गया, तो धीरे धीरे हो गया, थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगे, थोड़ा सा गुजारा हो गया। तो टर्निंग पॉइंट वही बोलना चाहता हूँ, फिर बाद में एक और गाना, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा टर्निंग है। टर्निंग पॉइंट तो अभी लगता है जब तुम्हारे साथ ज्वाइन हुआ, वही है टर्निंग पॉइंट, अभी स्पेशल टर्निंग पॉइंट यही लगता है, क्योंकि जब तुम्हारे साथ ज्वाइन हुआ, हालांकि हमारे, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है व्यूअर्स को क्या है हमारे बीच, बस कह दिया है जो कहना है, मतलब आप लोगों को पता है, लेकिन टर्निंग पॉइंट आपके साथ ज्वाइन होने के बाद लोग और पसंद करने लगे, हमको भी आपको भी, ओके। तो देखो पहले मैं गाना गाता था, 4-5 हज़ार लोग होते थे, है ना, ठीक है, होते थे, और मैं गाना सुनाता था, है ना, और सुनते थे लोग, चले जाते थे। अभी अभी क्या है कि लोगों को एक उम्मीद है हमसे कुछ, आई डोंट नो क्या है, मतलब अभी गाना भी सुनते हैं और कुछ बातें भी सीखते हैं हमसे, दोनों से, और हमारी बातों से वो इंटरटेन भी होते हैं। तो ये मतलब जब आपके साथ ज्वाइन हुआ तो ये सब कुछ होने लगा, पता नहीं ये क्या हो, क्या मतलब ऑटोमेटिक सब कुछ अच्छा चलने लगा। तो मैं, मेरा मेन टर्निंग पॉइंट इसको मानता हूँ, और बाकी तो बस
एक वो था। है ना गाइस, मैंने सही बोला, यही है बस, ऐसा कुछ नहीं है, जो है सच है वही बोल देता हूँ मैं तो, ऐसा कोई मन में जो है वही बोल देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन गाइस, बोलो लास्ट क्वेश्चन। नहीं, वो बाद अरे एक पनिशमेंट से क्या हो गया रे। चलो पूछूंगी। लास्ट क्वेश्चन रह गया, लास्ट रह गया। लास्ट है अभी, मैच लगाए तब तक, क्या पता आप जीत गए। नहीं मेरा पनिशमेंट तो बाकी है ना, ये तो बस नॉर्मल नॉर्मल गेम है, पनिशमेंट नहीं है अभी। मैं बोलो 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 जल्दी बोलो। आपका करंट एम क्या है फिलहाल, आपका क्या एम है लाइफ अभी मेरा क्या एम है, अभी मेरा एम क्या है। अभी देखो, अभी मेरा एम है बोल दूँ, वैसे एम बताना नहीं चाहिए, पूरा करके दिखाना चाहिए, लेकिन अभी पनिशमेंट है, क्या करूं मैं समझ नहीं। कुछ और बात पूछ सकते हैं? हाँ छोड़ पूछ लेते हैं हम। अपने एम को बताया नहीं जाता, पूरा करके दिखाया जाता है। ओके, और दूसरा सवाल। गुड, मुझे लगा कुछ और बताएंगे इसी में। नाइस। ये क्या फाइनल था? अरे ये तो हो गया, अगला क्वेश्चन। प्यार हुआ कभी सच्चा, सच्चा वाला, वन साइडेड नहीं, सच्चा, वन साइडेड नहीं, सच्चा प्यार। ए कंट्रोल मजनू, कंट्रोल। अरे तुम ये प्यार वाले बात क्यों करती हो, दूसरा से पूछो ना यार, बहुत सी सवाल है, चेंज द टॉपिक। मुझ पे सबसे ज्यादा गुस्सा कब आया था लगता। हाँ जब आपसे ज्यादा, सबसे बड़ा ज्यादा गुस्सा कब आया था, जब आपने हमें लाइव ज्वाइन करके कहा था कि हम यहाँ काम करने के लिए आते हैं, ऐसे करके, जिन हम काम और करने ऐसा वाले ऐसा टाइम पे ऐसा सवाल पूछा था। अरे मुझे इतना गुस्सा गुस्सा, आया था, फिर आपने मेरे अच्छा गुस्सा, गुस्सा आया था, अच्छे जमानों में आपको गुस्सा आ जाता है। इतना मतलब क्या पूछ लिया था मैंने? ये पूछा था मैं कौन हूँ, और कौन सा गलत पूछ लिया था इसमें? गलत क्या है, मैं कौन सा कोई गुंडा हूँ? नहीं, गलत कुछ नहीं था, लेकिन पूछने का तरीका गलत था। ओके जो भी था, आपका भी बोलने का तरीका अच्छा नहीं था। देखो, दो तरीका होता है, एक होता है अपनी माँ को मेरी माँ कहना, बहुत अच्छा होता है, अरे मेरे पिताजी का बीबी है वो, कहो क्या हो जाता है। डिफरेंट है ना, डिफरेंट है, एक बात तो एक ही है लेकिन डिफरेंट है। तो गुस्से वेरी में की चला गई मीठी बात भी कड़वा लगते हैं। ये आपके समझने का स्टाइल ऐसे, हम क्या करें। तो ऐसी बात है और कुछ नहीं। वेरी चला मैन, वेरी चला मैन। उस वक्त बहुत बुरा लगा था, है ना? अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे सुन के, ऐसी हरकत ना की अगर आप सिर्फ जवाब दे देते। और मुझे भी बुरा लगा था, मैंने कहा ऑक्सीजन क्या होता है, बाद में समझा दिया, सीधी तरह नहीं बोल सकते थे ऑक्सीजन क्या होता है। वो तो समझने वाले को समझना चाहिए, मैं नहीं समझ नहीं समझना तो क्या कर रहा। सकते हैं, है ना?
हर वक्त आपने मुझे, चलो मुझे ना 5 वर्ड्स में डिस्क्राइब करें। थैंक कितना यू सवाल मच। पूछोगी? हो गया 5 सवाल, बस पनिशमेंट डन। एक हमने गलती से करी, आपने सेम जवाब दिया था उसका। चलो चलो लास्ट क्वेश्चन, मुझे 5 वर्ड्स में डिस्क्राइब करो। 5 वर्ड्स, आप दुश्मन भी बोल सकते हो, आप जो जो भी बोल सकते हो। चार्ज खत्म हो गया बोलते बोलते, लुको मैं। हमेशा इस बंदे के साथ ऐसे होता है। यार जल्दी आया था ना, 12 बज गए, कब पता नहीं चला यार, 1 बज गए। उसका है ये, तुमको थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा। क्या करेगा यार, क्या है बोलो। नीचे हो गया यार। हाँ बोलो, 5 वर्ड्स बताएं, 5 वर्ड्स में डिस्क्राइब करो। अरे यार क्या कर रही हो, ऐसा मत करो। बोल दो दुश्मन हूँ मैं। हाँ मैं दुश्मन भी हूँ। नहीं, तुम्हारा, तुमको डिस्क्राइब करने के लिए डिक्शनरी में ऐसा वर्ड ही नहीं बना है अभी तक, तो क्या मैं डिस्क्राइब करूं।